T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद में अब टीम का नया हेड कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। और गौतम गंभीर ने हेड कोच बनते ही विराट कोहली के ऊपर एक ऐसा फैसला लिया है जिसको सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद में राहुल द्रविड़ के हेड कोच का कार्यकाल खत्म हो गया है। द्रविड़ ने 2.5 साल तक टीम के हेड कोच की भूमिका निभाई और द्रविड़ के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि द्रविड़ के 2.5 साल की कोचिंग में उनकी उपलब्धियां और क्या क्या कमी रही। इस वीडियो में बात करते हैं गौतम गंभीर के बारे में। पहले गौतम गंभीर और विराट कोहली के बारे में बात करें तो इन दोनों खिलाड़ियों को हमेशा ही आपस में लड़ते हुए देखा गया है, लेकिन आपको हमेशा ही गौतम गंभीर और विराट कोहली की यह लड़ाई घरेलू मैचों और IPL में देखने को लिए मिलती है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौतम गंभीर भी विराट कोहली के फैन रह चुके हैं। आपको याद दिलाऊं तो एक इंटरव्यू में जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने विराट कोहली के ऊपर तंज कसा तो गौतम गंभीर ने किस तरह से उनको जवाब दिया। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान की मीडिया को सिर्फ इतना जवाब दिया कि आपकी टीम के कुल जितने रन है उतने सिर्फ विराट कोहली के रन है। तो टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच का संबंध बिल्कुल ठीक रहने वाला है। इसके बाद अगर आप बात करें कि गौतम गंभीर के सामने कोच बनने के बाद में कौन कौन चुनौतियां होने वाली हैं, तो गौतम गंभीर के सामने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से सीरीज खेलने के अलावा 2025 में फरवरी-मार्च में चैंपियन ट्रॉफी का टारगेट होने वाला है। इसके बाद 2025 में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है और साथ ही साथ 2025 में एशिया कप भी खेला जाएगा जो कि बांग्लादेश में आयोजित होना है। तो 2025 में टीम इंडिया को 3 बड़े टूर्नामेंट खेलने होंगे जिनमें गौतम गंभीर के कोच की अहम भूमिका होगी। इसके बाद 2026 में टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलना है और साथ ही 2027 में टीम को वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। तो गौतम गंभीर 2027 के वर्ल्ड कप तक टीम के हेड कोच बने रहेंगे और तब तक टीम को 7 बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि गौतम गंभीर के हेड कोच के रूप में टीम इंडिया 7 में से कितने ICC टूर्नामेंट जीत पाती है। साथ ही गौतम गंभीर के सामने T20 में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा के जाने के बाद में इन तीनों के रिप्लेसमेंट को ढूंढना भी जरूरी हो गया है। इन तीनों का रिप्लेसमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी गौतम गंभीर कोशिश करेंगे कि इनके जैसा कोई खिलाड़ी टीम इंडिया को मिले जो कि टीम इंडिया का भार अपने कंधों पर उठाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।